शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं इनबीसीएन सिटी न्यूज की एक जॉइंट वेंचर महाचर्चा में। कई विषयों पर आज तक हम बात करते आ रहे, लेकिन आज का विषय थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि ये सीधा हमारे सेना से जुड़ा हुआ है और उसी तरह से ये हमारे बॉलीवुड से भी जुड़ा है। जी हाँ, आज का जो विषय है वो ये है कि सेना की वर्दी पर एकता का उद्योग। बालाजी टेलीफिल्म की जो एक एप्लीकेशन है उसमें वेब सीरीज आती है XXX सीजन 2, इसमें सेना के ऊपर में कुछ आपत्तिजनक सीन दर्शाए गए हैं। क्या ये सीन जरूरी थे? क्या ये आज की जो नैतिकता है इसको लेकर ये सही थे? और सेना के ऊपर में इसका कटाक्ष होना, क्या ये परिस्थिति और क्या इसके ऊपर में व्यूज है? आज के हमारे पैनलिस्ट इस पर चर्चा करेंगे। इस विषय को चर्चित करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे साथ में मौजूद है कर्नल जी का मैं स्वागत करता हूं। अभय पटवर्धन जी हमारे बीच में है, सर स्वागत है आपका। उसी प्रकार हमारे साथ में राजू कारिया जी जो है वो है बॉलीवुड के पीआर, है कई फिल्मों का इनके पास में अनुभव है। एकता कपूर के जो बालाजी ट्रिप है ये लॉन्चिंग का श्रेय भी इन्हें जाता है। उसी प्रकार हमारे साथ में है आलोक चौबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, बॉलीवुड के पत्रकार है और 10,000 से ज्यादा तक का इनका इंटरव्यू का अपना समय है। हमारे साथ में बॉलीवुड के एक्टर है अनाहत सिंह खट्टर जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। उसी के साथ में हमारे साथ में है कीर्ति अरारकर जी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और कई सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं, आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे आज के होस्ट जिनमें शामिल है डॉक्टर चंदू सोजातिया जी, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, इमरान शेख और मैं आपका होस्ट रत्नाकर मुलिक। चलिए हम बारी बारी सीधा चलते हैं हमारे मेहमानों के पास में। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कर्नल पटवर्धन जी से। पटवर्धन जी, आज का विषय आपको पता है, आज के विषय की चर्चा की शुरुआत ही हम आपसे करते हैं, आपकी छोटी सी जर्नी के साथ में चर्चा की शुरुआत आपसे पटवर्धन जी, कर्नल पटवर्धन जी। हाँ, सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो वाकया हुआ है, एकता कपूर ने जो किया हुआ है, बहुत शर्मनाक वाकया है। आज तक टेलीविजन के वेब सीरीज पे या किसी भी सीरियल में इस प्रकार की वाहियात बात सेने के लिए बताया नहीं गई थी कभी भी। इसलिए जरूरी है कि ऐसे चीजों के लिए या ऐसे प्रसारण के लिए किसी प्रकार का रोक लगाने की कोई सुविधा होनी चाहिए। ये जो प्रसारण है ये आजकल मोबाइल पर भी अवेलेबल है जी, पूरे संसार में देखे जाते हैं, भारत में देखे जाते हैं। आप सोचिए कि जो सैनिक सीमा पर तैनात है या जो सैनिक किसी जंगल में तैनात है या जो सैनिक पाकिस्तान की बॉर्डर पे तैनात है जी, वो सैनिक जब इस तरह के दृश्य देखता है तो उसके मन में क्या बीतती होगी, उसके मॉरल पे कुछ ना कुछ इसका असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दो चीजें होती है। एक तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो 8-8, 10-10 महीने छुट्टी नहीं जाते, बॉर्डर पर अकेले रहते हैं। जो सामने के पोस्ट है उनके ऊपर में एक या दो आदमी एक साथ में रहते हैं जी। तो इनको हमेशा अपने परिवार की चिंता होती है जी। तो परिवार की चिंता होने से उसके उपलक्ष्य में या उसके विरोध में कोई वाहियात चित्र दिखाना या वाहियात वेब सीरीज चलाना या वाहियात सीरियल चलाना ये बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पाश्चात्य देशों में या पाश्चात्य टीवी पर इस प्रकार के सीरियल आते हैं तो हमारे यहाँ आए तो क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता इसमें फर्क है। उनके इलाके में या उनके देशों में सेक्स को बहुत इजीली लिया जाता है जी। हमारे यहाँ पर सेक्स को इतना इजीली नहीं लिया जाता। संस्कृति का फर्क है सर। जो मैडम ने बोला था अभी कि आज वट सावित्री है, उनके जैसे लोग या जो हमारे वीर सैनिकों की पत्नियां हैं या बहनें हैं, वो लोग जो वट सावित्री की पूजा करते हैं कि हमें यही आदमी मिलना चाहिए, बार बार 7 जन्म में मिलना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में ये दिखाया जाता है तो हमारे दिल को बहुत दुख होता है जी। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। कुछ ना कुछ इसके ऊपर में प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके ऊपर में या तो ट्राई में या
भारत सरकार ने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की है कि जो इसको सेंसार करे। जी ठीक है, ठीक है पटवर्धन जी, मैं अभी सीधा चलूंगा पत्रकार आलोक चौबे सर के पास में। आलोक चौबे जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर इस विषय पर। नमस्कार सभी को। खैर देश की गति भारत में तक बढ़ता है सबसे, और इसी दिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एकता कपूर के ट्रिपल है। ऑडियो कम आ रहा है आपका, आलोक के ऑडियो कम आ रहा है। हाँ हेलो, आया हेलो, हाँ हाँ बोलिए, अब आ रहा है। हाँ तो जैसा कि आज मैं कह रहा था कि जैसे इसका जो टाइटल आप देखे ट्रिपल है एक्स एक्सेस, हमारे इसमें ट्रिपल एक्स का मतलब ये होता है कि कौन सा है। ये जो टाइटल ही है वो उसको दिखाता है कि उनकी नियत ही गलत पहली बार, और ये पहली बार इन्होंने नहीं किया है। ये 2015 में जब ट्रिपल एक्स पार्ट वन आई तब ये कंट्रोवर्सी होती है। यह एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप सेना पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जो, और ये वक्त बहुत ही एक उसमें होते कि भारत चीन पे बहुत एक तनावपूर्ण स्थिति, हालांकि हमारी सरकार ने उनको को खदेड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में आए तो यह आप उनका ये लगातार कंटिन्यू किया। पहले पास में भी उन्होंने यही किया था 2015 में जिसके रहते केम घोष थे, और अभी फिर ये कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही षडयंत्र और साजिशा होता है। आप कैसे, सबसे बड़ी बात आपकी यदि दिखाया गया उसको एक फौजी वर्दी कैसे पहना के आप अपना कर सकते हैं, यह एक साजिशन किया जा रहा है। और इसको सेना के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देश भर में कई जगह FIR हुई है, होता क्या है समझिए, FIR होगी बहुत जगह माफी मांगी। जब तक कुछ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, और ऐसे पिछले दिनों कई ऐसे फौजी यूनिफॉर्म को लेके दोस्त आए हैं, फिल्मों पे भी आए हैं, अपन आगे से बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ये उसको जब तक आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे ये हरकतें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ होता नहीं है। बल्कि कल तो हैदराबाद या उन्होंने पुलिस ने लिखने से भी मना कर दिया, ये भी खबर आप सुबह है। तो आपका किसका मॉरल ग्राउंड है? आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके देखते हैं बहुत सी चीज़ें दिखाने के लिए, हमारे लिए ये तो एक बहुत ही मतलब एक पॉलिटिकली तो नहीं, लेकिन एक सोशली आप उसको डैमेज करें। सेना जो हमारे लिए सियाचिन की -40 पर खड़े रहती है हमेशा खड़े, आप उसके पूरे घर परिवार समाज में क्या संदेश देना चाहती हैं? ठीक है, मैं आऊंगा कीर्ति जी की तरफ। कीर्ति जी, आपको शुरुआत भी करनी है अपनी बातों से, आपकी जर्नी का भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना है। आप एक महिला है और आज का दिन जो है वट पूर्णिमा का दिन की हमने बात की थी शुरुआत में ही, तो आप एक महिला के नजरिए से इस जो सीन उसमें दर्शाया गया है इसकी तरफ आप महिला की नजर से कैसे देखती हैं? सबसे पहले वट पूर्णिमा की सभी स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी इतने अच्छे दिन पर हम इतना अच्छा सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात जी। देखिए जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि द टाइटल इटसेल्फ इज वेरी, क्या कहें उसको, वो सीधा बताता है कि ये अश्लील सत्ता से जुड़ा हुआ, यानी ये टाइटल से ही हमें पता चलता है कि ये किस तरह का कंटेंट उसमें होगा। जी बिल्कुल। हाँ तो अभी ये बात देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी लोग देखते हैं, यानी सभी आयु के लोग देखते हैं। इसमें हमेशा इस तरह से कहा जाता है कि चलो डिमांड है तो सप्लाई है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज जैसे कि आप एक सिंपल उदाहरण है कि घर में अगर माँ खाना बनाती है तो सबके, हाँ सबको क्या चाहिए क्या पसंद है इसका ख्याल तो रखती है, मगर फिर भी वो अपने यानी जो उन्हें बनाना है वो बना के फिर थाली में परोसती है जी, तो क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मुझे सबको क्या देना है। एग्जैक्टली तो यही काम है जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो बैठे हैं जो बना रहे हैं इसको, इनका यही काम है कि देख समाज में आप कुछ परोस रहे हैं समाज के सामने, तो आपको इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि क्या परोसना है जी। तो ये नाम से ही मुझे, मैंने तो देखा ही नहीं, लेट मी बी वेरी जस्ट, वो नाम की ही वजह से मैंने नहीं देखा, लेकिन
मी बी वेरी क्लियर. नहीं उसमें मैं आपको बता दूं कीर्ति जी, एक तो उसमें अश्लीलता है ही, भरमार है उसमें, और उसके अलावा उसमें सेना बात की मगर जी, लेकिन उस पर सेना के ऊपर में जो एक सीन दर्शाया गया है जिसमें एक अश्लीलता से भरी हुई कीपिंग है, जिसमें सेना की वर्दी का मजाक उड़ाया हुआ दिखा रहा है. वो दैट आई हैव रेड अबाउट इट, एंड एक सेना के अधिकारी हैं, उनका एक वीडियो ही मैंने देखा था. जी जी, वेरी अपसेट, वाज ऑब्जेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्गली. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी यस. तो ये जो है पहली बात, तो ये सेना, अपनी सेना जो है, सेना है या किसी के भी धार्मिक जो आस्था है, इन सभी का मान तो हमेशा ही रखना ही पड़ेगा. अपनी सेना तो सभी धर्मों के ऊपर में है, सभी धर्मों के ऊपर में अपनी सेना. जी सर, धर्म धर्म वगैरह तो बात की बात है, सेना तो सबसे ऊपर है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब भी हम अपने अपने देश में अपनी सेना का मान तो होना ही चाहिए. जैसे अभी यहाँ कर्नल पटवर्धन ने भी बताया कि वो जब वहां बाहर हिमालय में खड़े हैं, या और सैनिकों को तो अपने परिवार की तो चिंता है ही, तो उसमें आप ये क्या दिखा रहे हैं? I mean, you know, ये मैं भी यानी दिखाते वक्त एक एक लक्ष्मण रेखा की बहुत बहुत जरूरत है. जी अनाहत जी, मैं आप यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, क्या आज का यूथ और यंग जनरेशन, जैसा कि कीर्ति मैडम ने बताया कि क्या खाना है, ये तो एक पीढ़ी डिसाइड करती है, एक क्लास डिसाइड करता है, तो क्या आज की यंग पीढ़ी डिसाइड करती है, उनको ये स्वागत योग्य है, ये इस तरह की अश्लीलता परोसी जाए और उसमें सेना का अंतर्भाव किया जाए? सबसे पहले नमस्ते सभी को. नमस्कार जी. देखिए सबसे बड़ी बात ये विजुअल मीडियम है क्या, वो आपके सबकॉन्शियस पे असर क्या करता है. अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर कोई अपनी बात प्रभावी तरीके से रखता है तो उसके दिमाग पे थोड़ा बहुत असर होगा जी. लेकिन जब आप विजुअल मीडियम देखते हो तो 60,000 टाइम्स वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, न्यूरॉन्स पे असर करता है. तो जब आप कोई इस तरह की चीज दिखाते हो टीवी पे, और भारत यंगेस्ट नेशन है, 2030 तक जो ऊर्जा हमारे पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है जी. आपने देखा होगा वेस्ट जब अपने कल्चर को डोमिनेट करवा रहा है फिल्म्स के थ्रू, तो हमेशा इंस्पायरिंग फिल्में बनाता है. वो ये बताते हैं कि हमारी जो ट्राइब है वो बेस्ट है इस वर्ल्ड में. करेक्ट. एक फिल्म आई थी टॉप गन, टॉम क्रूज उसमें एक्टर थे. जब वो फिल्म यूएस में रिलीज हुई, उसके बाद लाखों लोगों ने, अमेरिकन ने, यंगस्टर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया था. ग्रेट है ना. हम ऐसा नहीं करते. यू नो हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट के कल्चर का जो असर है हमारे खाने पीने पे, डिस्को, हर चीज, हमारा कल्चर ऐसा नहीं था, है ना. हम अंधानुकरण करते हैं सर, अनुकरण नहीं करते, अंधानुकरण करते हैं. बिल्कुल. हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दार्शनिक होता था जी. तो कोई भी चीज आती थी तो पहले वो देखता था 10-15 साल के बाद हमारी सोसाइटी पे, समाज पे इसका क्या असर होगा जी. उसी तरीके से कॉन्टेंट वर्क करता है. आप जिस कॉन्टेंट को परोस रहे हैं, क्या होता है जब आपके पास पावर और पैसा आता है ना, जैसे एकता कपूर है, अनुराग कश्यप है, यू नो इनके पास आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अगर ये चाहें तो बहुत अच्छी चीजें अपने यूथ को दे सकते हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. चलो ये होड़ लगी हुई है कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एप्पल क्या बना रहा है, हमें उस तरह का कॉन्टेंट बनाना है, विवश बढ़ाने. हाँ तो वो आप उस चीज पे जाओगे तो आप गलत ही करोगे, उसमें शोषण होने ही वाला है जी, है ना. और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा मतलब फ्यूचर है, नीड है. करेक्ट करेक्ट. तो उनके सामने कुछ पॉजिटिव चीजें और सही चीजें जानी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सिनेमा विजुअल मीडियम होता ही इसलिए है ना. जी जी जी. बहुत अच्छी तरह से आपने विवरण किया है. अब मैं चलूंगा सीधा राजू कारिया सर के पास में. राजू कारिया जी, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं. आपका सर बहुत तगड़ा अनुभव रहा हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, प्लस बालाजी टेलीफिल्म को लॉन्च करने में भी आपका काफी सहयोग रहा हुआ है. इस विषय पर आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए. एक तो सबसे पहले मेरे जितने भी सुनने वाले दर्शक है जी, और पहले से सबको मैं मेरा नमस्कार करता हूँ. नमस्कार सर. अभी अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरा बॉलीवुड में तगड़ा अनुभव है जी. मेरे ख्याल से इस टाइम पे जितने भी लोग पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा, जैसे कि आलोक जी है जी, जब से आलोक जी ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तो आई थिंक आज मेरे हम दोनों भाई आमने सामने बैठे होकर ये वार्तालाप कर रहे हैं, तब तक के
मैं उनके हर मार्गदर्शन को, हर सुझाव को अगर मुझे अच्छा लगता है जी, तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूं और मानता हूं जी। मेरे जितने भी माँ अनुभवी मित्र यहाँ बैठे एक साथ में इस चर्चा का विषय को लेके जी, क्या ऐसा विषय किसी चैनल पे, किसी सैटेलाइट पे, किसी वेब पे क्या पहली बार आया हुआ है? नहीं, इसके पहले भी आया हूं। बराबर है, तब इतने हो हा नहीं हुई क्योंकि उसको बनाने वाली कंपनी ब्रांडेड नहीं थी। आज एकता में अनेकता है जी। आपको जान के सुन के ताज्जुब होगा कि आज से 25 साल पहले एकता की जो बालाजी टेलीफिल्म है उसको सी प्रिंसेस में राजू कारिया ने ही एज ए पीआरओ लॉन्च किया था। आलोक जी, सही बात है कि गलत है? ये सामने एक विटनेस बैठे हैं कि ये भी इस पार्टी में थे। तो अगर ये सीरीज अगर एकता नहीं बनाती जी, क्या आज ये विषय चर्चा का विषय होता? चर्चा का विषय होता या नहीं होता? सर, चर्चा का विषय भले ही हम एकता कपूर के बालाजी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि ये एक ब्रांड बना हुआ है, एकता कपूर की आज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो क्या इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जानी चाहिए थी? चर्चा का विषय तो जरूर है एकता की, लेकिन क्या ये सही है? मैं एकता की चार गलतियां मानने को तैयार हूँ, चाहे एकता का कोई भी मेंबर ये सुन रहा हो जी। तो मुझे स्पष्ट करने में कोई हिचा किची नहीं है, भले मैं बालाजी टेलीफिल्म का लॉन्चिंग पीआर हो रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जब ये विषय एकता ने सिलेक्ट किया जी, तो एकता को ये देखना था कि इस विषय का भविष्य में जनता के ऊपर और हमारे शरद के ऊपर, जो हमारे अपने आंखों में तेल डाल के दिन रात शरद पे जाग रहे हैं और जिसकी वजह से हम चैन से अपने घर में सो रहे हैं, उन पे क्या असर बीतेगा जी, उनके मानसिक पर पड़ेगा इस चीज का। और अभी अभी हमारे एक भाई ने, पैनलिस्ट ने बताया कि हमारा हर जवान आज जब सेना में भर्ती होता है, चाहे वो 21 साल का हो या 50 साल का हो जी, वो कुछ समय के लिए अपने पत्नी से जुदा होके शरद पे रहता है। जब वो आदमी शरद के ऊपर मोबाइल में ये सीन देखता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक आहतता जरूर होती है। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि कहीं जिंदगी में ऐसा बुरा समय मेरे जिंदगी में ना आवे, क्योंकि अगर आपको याद है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आलोक जी इस बात का प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि कुछ साल पहले तक बंबई के अंदर जितने भी एक्स वाई जेड कंट्री के लोग बंबई में रहते थे और उनकी पत्नियां उनके गांवों में रहती थी, तो वहां उनको बच्चा पैदा होता था तो यहाँ उसका पति मिठाई बांटता था बच्चा खुशी होने के खुशी में। आलोक जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत है? बोलिए बोलिए राजू जी, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। अगर आप अगर पूछने की नहीं, देखो देखो चंदू नहीं, चंदू बाबू, अगर आप पूछने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी ताकत रखो। बिल्कुल सर, बोलिए बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो उस टाइम पे वहां पे हमारे बंबई शहर के अंदर मिठाइयां बांटी जाती थी कि मुबारक हो मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। तो ये बेटा उस जमाने में कैसे पैदा होता था भाई साहब? आलोक जी जरा इस बात को जरा स्पष्ट करेंगे आप। ये राजू कारिया जी, मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री चलाना बहुत अच्छी बात है, फिल्में करना बहुत अच्छी बात है, फिल्मों का पीआरओ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश अपने आप में अलग है, देश महत्वपूर्ण है, फिल्में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी आप फिल्मों के लिए आपको देश ताक पे रख दोगे, आप सेना के बारे में कुछ भी दिखाओगे? अरे एग्जाम्पल आपको अगर कोट करना है तो एग्जाम्पल ढंग का कोट करिए आप। मैं ढंग का ही कोट कर रहा हूँ। किसी के साथ में भी किसी को जो हमारे आप किसी को जो हमारे समाज में होता है, हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में ये सब नहीं होता है। और एकता कपूर क्या है, एकता कपूर क्या है, भाई क्या है, वो सब चीजें सबको मालूम है, सब जनता को मालूम है। उसके चर्चे हो गए, अगर कोई एक्स वाई जेड करता तो चर्चे नहीं होते। और एकता ने आज तक के जितनी भी काम किए हैं,
वो कंट्रोवर्शियल किए हैं, जनता में वो पॉपुलर है, इसीलिए जनता ही चढ़ाती है और जनता ही उतारती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता के साथ बात कर रहे हैं आप? देश में रहकर आप 300 ने क्या फालतू की बातें लगाई हुई है आपने? एकता में पहले शहर, अरे एकता का कई एकता आएंगी, कई एकता जाएंगी, कहां लगे हुए आप एकता के बारे में? आज मुझे बताइए कि एकता से ज्यादा शो कौन देखे जाते हैं, मुझे आप जवाब दीजिए। अरे 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 साहब, शो की रेसिपी शो कहां लगा है? जिम्मेदारी है या नहीं है शो की? शो की एलटी वेब सीरीज देख लीजिए, पूरा अश्लीलता का खजाना भरा है उसमें। मैं भाई साहब आपकी बातों से पटवर्धन साहब मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं एक बात आपके सामने मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पोर्न फिल्म जब बैन थी तब हमारी यंग जनरेशन पोर्न फिल्म देखा करती थी कि नहीं देखा करती थी? अरे इसका मतलब क्या? इसका मतलब चला लोगे राजू जी, इसका बात कर रहे हैं राजू जी, आपने पूरा मतलब आपने पूरे महाराष्ट्र रख दिया। नहीं, मैंने आज की जो समाज की सच्चाई है उसको सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बोल रहे हो 30 साल पहले जो बॉम्बे में जो एक्टर होते थे जब वो यहाँ लड्डू बांटते थे तो उनकी बीवियां जो घर पे होती थी वो बच्चा कोई और पैदा करता था। आप कैसा एग्जांपल दे रहे हैं? मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि उस माहौल में मैं रहा हूँ। तो आप भारत मतलब आपको लगता है जिस भारत में आ रहे हैं वो इतना अश्लील रहा है? अश्लील नहीं रहा है, हमारे यहाँ पे इस भारत की कहानी हो या महाभारत की कहानी हो, पांचाली कितने पत्नियों के पति की पत्नी थी। सर कितने भारत को जानते हैं आप? मैं महाभारत को जानता हूँ। अरे सर आप नहीं जानते, इनको थोड़ा भारत बताइए आप, इन्होंने भारत पढ़ा नहीं है, आप भारत वाला काम किया है, बताइए इनको भारत के बारे में थोड़ा सा। सनातन संस्कृति बताइए इन्हें थोड़ा। सनातन संस्कृति से ही सब कुछ शुरू हुआ है। जिस महाभारत की आप बात कर रहे हैं ना, उस महाभारत काल में ये जितने भी जो कोरियन थे, चाइनीज थे, रशियन थे, अमेरिका को तो 150 साल भी नहीं हुआ है ना, ये सारे महाभारत काल में कौरव पांडवों की तरफ से लड़े थे। ये छोटी छोटी ट्राइब थी जो आज बड़ी कंट्री बन गई है। आप कौन से आप पांचाली की बात कर रहे हैं? आपने उसका मतलब समझा है वो क्या था, किस तरीके से वो पांच पांडव थे? आपने वो बात कर दी कि रामायण के ऊपर देखता हूं या नहीं देखता हूं? मैं जब तक के महाभारत नहीं देखता मैं चैन से सोता नहीं हूं कि इस महाभारत से मुझे वो चीजें जानने मिलती है जिस चीज से मैं अनजान हूं। महाभारत आप महाभारत देखिए मत, आप महाभारत को पढ़िए। आलोक चौबे जी आपका जो माइक है ना थोड़ा के पास लीजिए, आप क्या सिर्फ देखो या पढ़िए नहीं उसको समझिए। महाभारत काल से हटके एकता काल में आया जाए, एकता काल पे बात करी जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हम भी विषय से भटक रहे हैं, हमें सिर्फ ये बात करनी है कि क्या ये सेना का जो चित्रण है क्या ये दिखाना संयुक्तिक था आज के जमाने में? आज के दौर में नहीं, मैं इस बात को आपसे सारे जितने भी पैनलिस्ट मेरे भाई दोस्त बैठे हुए हैं इन सबसे इस बात से सहमत हूँ कि इंसानों से गलती होती है और एकता से भी यही गलती हुई है। उसने जो नहीं नहीं एकता उसने की हिम्मत की है राजू जी। जब एकता जैसा लेवल आपका आता है ना, जब आप इतनी बड़ी कंपनी बन जाते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उससे भाग नहीं सकते। वो जो पैसा आप किस लिए, पैसे के लिए बना रहे हो क्या? आपके पास पैसा नहीं है? अरे अनाज इनके पास पैसे के अलावा कोई सोच ही नहीं है इन लोगों के पास। जितने आपके तो क्या मोटो है सर, मोटो क्या है आलोक जी, क्या मोटो है करना? ब्रांडेड कंपनियां का जो सिनेमा को समाज का है ना, उस प्रोडक्ट के लिए वहां पे कंपनी का मालिक बैठता है क्या? उसमें तो सिर्फ लेबल लगाया जाता है, एक्स वाई जेड कंपनी का लेबल लगाया जाता है। लेकिन हाँ, एक जवाबदारी जरूर होती है जो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लस पॉइंट होता है तो ग्रेट गोज टू कंपनी और अगर बुराई होती है तो क्रेडिट गोज टू ऑनर वन ले। पर एक बात बताइए राजू जी, गलती एक बार होती है या बार बार होती है? सर उसमें गंदी बातें भी बनाई जाती है, कामा सूत्रा भी बनाई जाती है, XXX भी वहीं से आती है और भी बहुत सारी चीजें वहीं से आती है। तो एक गलती है या बार बार गलती है? एक बार गलती होती है तो उसको भूल कहा जाता है, दूसरी जो बार बार होती है जो बार बार होती है उसको आदत में शामिल किया जाता है। ये चीजें एकता के आदत में शामिल हो गई है और जिसका खामियाजा ना एकता को भुगतना ही पड़ेगा। हम यही सुनना चाहते थे आपसे। मैं सीधा पटवर्धन सर आप मुझे बताइए, ये सब जो हो रहा है, हमने आर्मी अफसर का एक वीडियो भी सुना था, तो क्या इससे आर्मी अफसर के ऊपर में या पूरे आर्मी के और उनके परिवार के ऊपर में इसकी क्या असर पड़ेगा सर, क्या मानसिकता बदलेगी इससे? अब ऐसा है
कि ये जो आपने आर्गुमेंट दिया था ब्रांडेड कंपनी का, इतना वाहियात आर्गुमेंट मैंने आज तक कभी नहीं सुना। मैं उनसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ कि क्या कैडबरी चॉकलेट के अंदर में अगर कीड़े हो तो कैडबरी ने बनाया इसलिए वो खाएंगे? मैंने तो वही तो एग्जांपल दिया कि कैडबरी में भी कीड़े निकले थे, तो कैडबरी में जब कीड़े निकले थे तो क्या कैडबरी ने जवाबदारी लिया था ना? जब कैडबरी में कीड़े निकले थे ये बात मेरी है कि इसका उन्होंने जवाबदारी कैडबरी लिया था ना? आप जब आर्गुमेंट करते हैं तो उस समय थोड़ा सोच के किया कीजिए। भाई साहब मेरी उम्र सोचने से कुछ ज्यादा हो गई, मैं 71 रनिंग हूँ, मैं कहीं कोई स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा नहीं हूँ। उम्र से सोच का कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं यही बताऊं कि एक्सपीरियंस के लिए आपका एज का होना बहुत जरूरी है। एक कॉलेज का लड़का कुछ और बोल सकता है और एक 70 साल का जो भारत वो देश है, मैच्योरिटी बिल्कुल काउंट्स करती है, मैच्योरिटी बिल्कुल काउंट करती है। भारत वो देश है जहां पे स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में समाधि में चले गए थे। लेकिन स्वामी नारायण राय कितने इस देश में अनुभव की बात कर रहे हैं ना, समझ कहां से क्रिएट होती है? हमारी संस्कृति में, हमारी मिट्टी में अध्यात्म है, वो आपको समझ देता है। आपकी सोच पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह के एग्जांपल देंगे, आप एकता को ये नहीं है कि मैं एकता का दुश्मन हूं या जो बाकी लोग यहाँ पे हैं वो एकता के दुश्मन है, लेकिन एकता जो कर रही है अगर वो अपने देश को ध्यान में रख के करेगी तो अच्छा रहेगा। और मैंने इस बात को पहले ही स्वीकार किया है। इस टाइम पे जो एकता ने ये जो अनम्यूट कीजिए सर जी, एकता ने इस टाइम पे जो किया जी, उसको आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। राजू जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। बोले, मैंने कहा कि एकता ने इस टाइम पे जो किया, जो भारतीय सेना के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की, इस बात को मैं बहुत घिनौनी हरकत मान के मैं धिक्कार करता हूं। उसने एटलीस्ट उन लोगों के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए था जो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। एकता ये भूल गई कि कामयाबी के लिए हर चीज है, वो ये चीज यहाँ पे भूल गई। इस बात को मैं भरे महफिल में स्वीकार करता हूँ। चंदू सोजतिया जी की तरफ मैं आना चाहूंगा। चंदू जी आप शुरुआत से डिस्कशन को सुन रहे हैं सर, मुझे म्यूट करके रख दिया आपने। नहीं नहीं, हमने आपको सिर्फ सुनने के लिए किया क्योंकि आपकी टिप्पणी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलिए। सारी टिप्पणी चल रही, सारी बात भी चल रही है। राजू भाई ने जो बात की, एकता ने क्या सोचा होगा बनाते समय, ये उसके इनके दिमाग में था कि एकता ने जैसे जो उदाहरण दिए, एकता ने भी शायद हो सकता है वो उदाहरण सोचे होंगे। वो एकता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके विचार नहीं थे। एकता कैसी सोचती है, वो कैसे अपने ये करते हैं, वो होने के बाद वो विचारधारा को लेके आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ पे। और एकता ने मुझे, एकता के माँ ने मुझे बड़ी बेइज्जत करके अपने से कंपनी से निकाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन आज भी इस बात को मैं स्वीकार करने में इनकार नहीं करता, लेकिन एकता के जो इस एपिसोड के बारे में जो विचार है उसको मैं धिक्कारता हूँ। ठीक है राजू जी, चंदू जी से बात जो बताने का तरीका था राजू भाई का, हो सकता प्रेजेंटेशन में आपको कुछ वो अलग लगा हो, लेकिन एकता ने जब ये दिमाग में कल्पना लाई होगी मुझे इस टाइप का सीन रखना है, बराबर, कहीं ना कहीं से क्रिएटिविटी आई होगी उसकी। वो क्रिएटिविटी क्या सोचा उसने, उसने पुराना सोचा है। जैसे राजू भाई ने उदाहरण दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है, गांव में ऐसा होता है, वो देख के उसने एक ऐसी सेलिब्रिटी को सामने रखा। निश्चित रूप से सेलिब्रिटी को सामने रखने से आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एकता वहां घर में बैठी है जी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड टू को, जिसको नहीं मालूम हम उसको भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस पे हुआ है। इनडायरेक्ट पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जिसने नहीं देख क्या होता कि हम किसी चीज का जब विवाद करते हैं, अब जैसे कल हम चार दिन से चर्चा कर रहे हैं तो हमने भी देखा कि इसमें आखिर क्या है, बराबर, हम लोगों ने इसका सर्च किया, ढूंढा उसकी क्या मानसिकता है, क्यों उसने यहाँ पे आई, क्यों ये चीज का प्रोड्यूस किया, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने आज इस चीज में डिस्कशन पे भेजे। अब डिस्कशन का मुद्दा ये कि चलो उसने कर तो लिया, अब क्या? राजू भाई से हमसे ये पूछना था कि अब क्या, चलो आपने गलती मान ली, उसको धिक्कार दे दिया, आप फिल्म इंडस्ट्री से हो, फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री और वेब सीरीज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं एक दूसरे से अलग नहीं, ठीक है। आज मुझे मेरे ख्याल से वेब इंडस्ट्री को, वेब सीरीज को सेंसर की आवश्यकता नहीं है, कहीं तो भी, हाँ तो वो होनी चाहिए। इस चीज को हमें कहीं तो भी मॉनिटराइज करने के लिए कारण होना चाहिए।
एकता ने क्या किया नहीं किया, लेकिन आज जो मुद्दा उठाया उस चीज के भरोसे ये चीज मॉनिटराइज कैसी हो हमें इस पर डिस्कस करनी चाहिए। आज हमारे यहाँ पे चंद्र बाबू मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे चाहे वेब सीरीज हो, सीरियल हो, कोई भी एक्स वाई चीज हो, उसका सेंसरशिप होना अति आवश्यक है। नहीं, हमारे उद्देश्य भी पूरा पूरा सभी सब फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पे वीरेंद्र साहब भी है जिन्होंने इस चीज को बहुत अंदर तक दर्द महसूस किया होगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों, कौन से कंटेंट्स लेना कौन से नहीं लेना, इस पर कहीं तो भी मॉनिटरिंग होना। ठीक है, ऐसे किस्से कोई नया नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वर्दी की, उस कैरेक्टर की नहीं। कैरेक्टर जो भी हो सकता हो, कैरेक्टर क्या है हमको पता नहीं, लेकिन जिस कैरेक्टर के रूप में ढाल के उसको ये किया हुआ कि सीमा पे जवान वहां पे है साल साल भर, दो दो साल, तीन तीन साल, पता नहीं जाते टाइम तो जाने का टाइम पता हो तो वापस आने का टाइम पता नहीं हो। मैं बराबर बोल रहा हूँ वीरेंद्र साहब? जी बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं चंदू जी। वापस आने का समय नहीं होता, ऐसे समय उनके घर के पीछे उनकी औरतें क्या करती है ये उसने दिखाने की कोशिश की, जो निश्चित रूप से किसी भी रूप से क्षमा योग्य भी नहीं है। भाई माफी भी मांग ले, जैसे वो भी हिंदुस्तानी भाव हिंदुस्तानी वो बोल रहे माफी मांग ले, सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा साहब, फिर कल गलती करेंगे फिर माफी मांग लेंगे। Exactly. फिल्म इंडस्ट्री ये माफी सजा, नहीं सजा, कहीं सजा, तो भी कोई चीज पनिशमेंट होनी चाहिए, या तो इस देश से अनसेंसर्ड वेब सीरीज, ये तो हम सिर्फ एक देखे देखे जो विवाद में आ गई, आप देखे जाके वेब सीरीज में कई ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, हर कैरेक्टर में ऑब्जेक्शन आएगा। मैं राजू भाई की बात बोले भाई, जो भी व्यक्ति काम के लिए बाहर जाता है, ठीक है, आज हमने सेना के रूप में देखा कई और लोग आते हैं, चंदू सर की बात खत्म हो जाए फिर आपकी बात सुनते हैं, कई और ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो ऐसी अवस्था से गुजरते होंगे, तो क्या हम उनका प्रदर्शन करेंगे? इन चीज पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। कीर्ति जी आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। जी नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैंने पहले अब जब मैंने कहा तभी मैंने कहा कि इसकी बहुत जरूरत है कि इसके ऊपर भी कुछ लगाम होना चाहिए, इसके ऊपर भी सेंसरशिप होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल सिर्फ ये अल बालाजी या एकता कपूर जी का ही सिर्फ ये वेब सीरीज ऐसी आ रही है, ऐसा नहीं, देर आर मेनी अदर्स हु आर मेकिंग सच काइंड ऑफ अश्लीलता तो सर आपको कदम कदम पे किसी पे लाइबिलिटी डाल सकते हैं। वो भूल रहे हैं कि विद द पावर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, जैसे स्पाइडरमैन में कहा था उन्होंने, यू नो विद द पावर, यू नो जब आपके पास कुछ पावर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ आपको होनी चाहिए, जो आजकल बस नहीं दिख रही। जी बराबर है, देखिए आज आज कोरोना के पार्श्वभूमि पर अगर कोई घर से बाहर निकलता था शुरुआत के दौर में तो उसको घर रस्ते पर पकड़े तो उसको डंडे पड़ते थे क्योंकि उसने कानून तोड़ा है, लेकिन ये भी तो कानून का उल्लंघन ही एक प्रकार से, आप अनसेंसर्ड चीजें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके मस्तिष्क पर विपरीत असर कर रहा है। एक सेना के जो जिसको जो धर्म की बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि भारतीय सेना हमारा सबका, पूरे भारतीय का एक अलग धर्म है जिसकी इस धर्म की तुलना किसी से हो नहीं सकती, तो ऐसे धर्म के ऊपर में इस तरह का लांछन लगाना ये कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे? किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेना से ऑल थ्री विंग्स ऑफ हमारी जो सर्विसेज हैं उनके तीनों इतने नीचे स्तर नहीं, और उनके परिवार को तो बिल्कुल नहीं इतने नीचे स्तर में दिखाना चाहिए। वो लोग उनके परिवार की अपनी गरिमा रही है, एक ट्रेडिशन बहुत ज्यादा गरिमा, जो शहीद हो जाते हैं उनकी उनकी स्त्रियां किस तरह वहां खड़ी रहती है देखिए आप कभी, और फिर पता चलेगा कि ये जो दिखाया जा रहा है वो कितना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सोल्यूशन तो ये एक ही है कि इसके ऊपर सेंसरशिप होना चाहिए, सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन अब इस पर कुछ पनिशमेंट होगा? डॉक्टर आलोक जी, रत्नाकर जी, अगर ये अपने पिता से भी कुछ सीख लेती ना थोड़ा बहुत, जी, तो भी काफी होता, नंबर एक। जी जी जी। दूसरी मैं बात बताऊं कि आपने कहा था कि पर्सनल लेवल पे हम लोगों को बात नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का वर्किंग चेयरमैन हूं, हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, और इस दिशा में हम लोग कानूनन सलाह लेके सजा तक कैसे पहुंचा जाए इस पे काम कर रहे हैं। माफी से काम नहीं होगा जी, हम लोग उस दिशा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं
कि भाई एक तो वो होगा कि हमको कानून बनाना, क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है जी। जब हम लोगों ने विधितज्ञ से इस बारे में जब चर्चा की, बात की कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें ये नहीं है, ये क्लॉज में हम ये कर सकते हैं। तो उस दिशा में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक और पत्रकार होने के नाते मैं और मेरी टीम इस दिशा में काम कर रही है, और ऐसे देशद्रोही लोगों के साथ में वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, दुश्मनों जैसा ही व्यवहार किया जाना। जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक कि ये ऐसे करते ही रहेंगे, और ये चीप पब्लिसिटी के लिए करते रहेंगे। तो आलोक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ हद तक ये देशद्रोह हुआ? बिल्कुल हुआ है, देशद्रोह है। आप देश के सैनिक जो है, जिनका आप देश के सैनिकों का मनोबल, देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं, इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? पटवर्धन जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है साहब, ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं है। यही एकता कपूर और यही बालाजी फिल्म ने 93 में जब मुंबई में रायट हुए थे, उस समय में फौज से सहायता मांगी थी, तो वही बालाजी फिल्म आज फौज को इतना गिरे हुए स्तर पे दिखा रही है, ये बहुत शर्म की बात है। आई फुल्ली एग्री विद यू और आई कांग्रेचुलेट यू कि आप लोग ये मुद्दा ऊपर तक उठा रहे हैं और इसके लिए सजा की तजवीज कर रहे हैं। हम लोगों ने भी डिफेंस मिनिस्ट्री में इसकी कंप्लेंट की हुई है। हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आप भेजिए, ऊपर भेजिए, कर रहे हैं उसको भी। हरियाणा में पूर्व सैनिक कीर्ति जी, आप कुछ बोल रही थी, कीर्ति जी आपको कुछ कहना था, अपना पक्ष रखना था, बोलिए। उन्होंने ले लिया वो पॉइंट, बोल दिया उन्होंने जी, जो आप ये देशद्रोह है, आप इस पर। अरे कीर्ति जी, आप नया पॉइंट भी बोल सकती हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप पॉइंट नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, मैं अनाहत जी ने यस यस अनाहत जी ने जो बोला था कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, तो वाकई में मीडिया, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, सीरियल, टीवी, कुछ भी मीडिया जो विजुअली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वो जब कोई भी चीज कोई बनाता है तो उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे पेश करना चाहिए। कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हों या कोई भी यानी हमारी जो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे पिक्चर्स बनती हैं, या इस जैसे कि अभी सेना के ऊपर हम आज का अपना टॉपिक सेना का है, तो ये इनके ये बहुत बहुत ही सेंसिटिव और बहुत यानी इसको क्या कहते हैं कि ये हम ऐसे करके देखते हैं उनकी तरफ, और आपने उनको यहाँ दिखा दिया। दिस इज एब्सोल्यूट नहीं, मैं तो एक आधे मिनट में, मैं आधे मिनट में बोलूंगा कि इनके परिवार को बिठा के बॉर्डर और उरी फिल्म पहले दिखाइए, तब इनके दिमाग में आएगा कि इनके दिमाग में ये समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या है इन लोगों ने गलत क्या है, कि क्या है कि ये पर्सनल लेवल पे इतने गलत लोग हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इनके बारे में, इनके बारे में जनता को सब मालूम है जी। क्या हम लोग एक मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हम पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में सब कुछ सब पता है। तो इतना गिरना भी ठीक नहीं है, और इतना गिर के देशद्रोह तक करना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? सही बात है, बिल्कुल। इमरान कुछ बोलना चाहते थे जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि इस समय जिस समय पूरे देश कोरोना से जूझ रहा है, फिल्में थिएटर में आना बंद हो गई है, लोगों का भरोसा जो है, भरोसा बोलो या फिर लोगों की जो प्रेरणा है, फिल्में हमेशा समाज का आईना बन के रही है। अब जब से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, पिछले 2.5 महीने का काल गुजर चुका है, उस वक्त वेब सीरीज को बहुत बढ़ावा मिला है, और इस समय जब हमारे कोविड योद्धा हो या फिर जो हमारे जवान है जो इस परिस्थितियों में भी अपने सीमा में, जैसे पटवर्धन सर ने बताया कि इस तरह के काम कर रहे हैं, और इस समय पर ऐसी फिल्म रिलीज करते हैं, होती है वेब सीरीज रिलीज होती है, तो क्या दुष्परिणाम होगा? इस समय तो बिल्कुल इस तरह की फिल्में मतलब बैन कर देनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ये हमारा जो विषय था, अब क्या करना चाहिए, अब जो वेब, चलिए कंक्लूजन में ये पूछते हैं एक बार नहीं जैसा रत्नाकर जी, जैसा हमारा हमारा जो उद्देश्य होता है डिस्कशन का जी, ये सैनिक की वर्दी और ये वेब सीरीज एक हमारा इस मंच पे आने का एक बहाना था जी, जो हमको मिला। क्या ऐसी सीरीज जिसमें पोर परोसा जा रहा है, खुलेआम परोसा जा रहा है, चाहे वो 100 रुपए महीना ले हो या 300 रुपए साल के ले हो, ये लेके और इसमें आप वहां पे पूछते हो आप 18 साल के ऊपर हो क्या, इतना ही पूछते हैं बराबर, तो वेरीफाई कर सारी पीढ़ी की विचारधारा बनाकर उनको पंगु बनाया जा रहा, पंगु बनाकर जो आज देश में इतनी सारी परेशानियां है वो सारे चीज से वो दूर है।
क्योंकि पोर्न में जब इतना मस्त होता है शायद मुझे लगता है उससे बड़ा नशा किसी का नहीं। अनाहत जी ने पहले कहा था, हमारा ये कहना है कि इस सीरीज के भरोसे क्या हम पोर्न परोसना बंद कर सकते हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। ये तो ठीक है, आज आप इतना ये सब चर्चा में आ गए, कल से कोई शायद मुझे नहीं लगता है कि सेना के ऊपर किसी प्रकार के ऐसे अश्लील करने की हिम्मत करेगा, उसको माफी मांगना नहीं मांगना क्या पता, लेकिन दूसरे कैरेक्टर साथ में ले लेगा। आज उनको लिया, कल डॉक्टर को लेगा, परसों किसी मीडिया वाले को लेगा, परसों एक पुलिस वाले को लेगा, किसी नेता को लेगा, नेता के साथ में भी ऐसा होता है, तो हम कब तक इन चीजों के लिए करें। ऐसी प्रथा बंद होनी चाहिए, ऐसी पोर्न व्यवस्था खुले आम, देखो बंद मुट्ठी में तो सब चलता है, खुले आम जब आप बेच रहे ऐसी चीज को तो इस पर बंदी होनी चाहिए बेचने की। लेकिन चंद्र बाबू यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गिर गई है फिल्म चंद्र बाबू गिर गई है कि राजू जी एक मिनट मेरा सर की बात खत्म करके आपसे फिल्म इमरान बोलो क्या इतनी गिर गई है कि सेना को दांव में लगा के उस सेना के गरिमा को दांव में लगा दिया, गरिमा के दांव में लगा के बिजनेस करना पड़ रहा है, ये दिन आ गया। अभी राजू जी से पूछना चाहूंगा, मैं राजू जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज में हमारे जो पंच तत्व है जिसमें से एक सैनिक है, एक डॉक्टर है, एक सफाई कर्मचारी है, जो आज इस कोरोना के पीरियड में हमारी अपनी जानों का अपने प्राणों का बलिदान करके हमारा रक्षा कर रही है, चाहे मैं हूँ चाहे वो एकता कपूर क्यों ना हो। एकता कपूर कोई आसमान से टपकी हुई कोई नायाब चीज नहीं है, आज एकता के ऊपर इतना प्रेशर लाना बहुत जरूरी है कि एकता के जो दिमाग के घोड़े जो रेसकोर्स में दौड़ रहे हैं आज अगर समाज और सोसाइटी चाहे तो उस पर अंकुश ला सकती है, लेकिन जब तक ये ऐसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती है हम लोग एक साथ में आके विषय पे चर्चा नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात कही सर आपने, इसी बात का दुख होता है कि पैसे के लिए अभी हमें पता है कि ये आदमी भूखा है और उसने चोरी की या उसने एक बिस्किट का पैकेट चुरा लिया, तो वी अंडरस्टैंड कि ये बेचारा भूखा है और इसने पैकेट चुराया, मगर यहाँ पे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे की जरूरत है ना फेम की आप एक बॉलीवुड की संचालिका हो, जब आपको किसी कैरेक्टर का ऑफर आता है और आपको ही जब बालाजी टेलीफिल्म के किसी कैरेक्टर के लिए मेन रोल में साइन किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा सोचोगे, पहले तो हाँ बोलोगे बाद में कैरेक्टर सुनोगे। नहीं मैं सोच के ही करती हूँ सर, कैरेक्टर मुझे लगता है कि कैरेक्टर का एक्सेप्ट नहीं वेब सीरीज में कोई कंट्रोल नहीं रह गया है सर एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल वेब सीरीज है यू नो उनके यहाँ पे न्यूडिटी एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सैनिक जो साइकिक प्रॉब्लम से निकल रहे थे उनको किस तरीके से सुसाइडल से हटाया जाए तो वो पोर्न लेके आए, हमें उसको जानना पड़ेगा। एकता कपूर हो गई या जो बाकी लोग जो भारत में है, सास भी कभी बहू थी, इस तरह के सीरियल बनाने वाले जिसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस यू नो हमारे माँ बाप उसमें आते हैं, अब वो एक जिम्मेदारी देखते हैं, अच्छा यार एकता का चैनल है तो वहां पे कुछ इस तरह का कॉन्टेंट होगा, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, आप अपने यंगस्टर्स को पॉन दिखा रहे हो, पॉन क्या करेगा, आपकी पूरी शक्ति सोचने समझने की आपकी पूरी कुंडलिनी का बेस ब्रह्मचर्य है, यू नो आप उस चीज को खत्म कर रहे हो, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, और आप कॉम्पिटिशन किन के साथ कर रहे हो, वेस्ट के साथ, जो ऑलरेडी आपके कल्चर को खत्म कर रहा है। आज एक आपका बच्चा अगर सेना के बारे में इस तरीके से देखता है, आपको लगता है वो बड़े होके बोलेगा कि मेरे को आर्मी में जाके जवान बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपने ऑलरेडी अपने देश को डीमक लगा दिए सिर्फ इसलिए कि आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, यू नो मतलब जब वो बैठ के बात कर रहे हैं राइटर बोल रहा है उस एक्साइटमेंट की मतलब आपको ऑडियंस मिलेगी तो वाओ वो बोलेगी अरे यार यू नो आप एक अलग कल्पना में चले जाते हैं, आप अपने माइंड में जाके और उस तरह की एक्टिविटीज को देखने लगते हैं।
है ना, आप इससे बेहुदा काम नहीं हो सकता। कल अगर यूथ आपका आपके देश के लिए खड़ा ही नहीं होगा तो मतलब आप करोगे क्या? सही बात है। चलिए हमको हमको कंक्लूजन की तरफ चढ़ना पड़ेगा। कि अगर किसी को खुश करना है तो कीजिए ना, मगर किसी को ना खुश करके किसी को खुश मत कीजिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोलिए। और वो भी एक सेना जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो होना ही नहीं चाहिए। जी चंद्र रत्ना करिए, एक प्रश्न है सबके लिए। जी जी, वहां तो बिल्कुल किसी ने, यानी एकता ने ये सीरियल बनाया, ये सीरीज बनाई, कहीं दिमाग में उसके ये रहा होगा कि मुझे सैनिक को बदनाम करना है करके? एक सीधा प्रश्न, सैनिक को बदनाम करना है कि सिर्फ अपनी कमर्शियल चीज डालने के लिए ला? क्या क्या लगता है अपने को? सिर्फ क्योंकि भावना देखना जरूरी है, भावना देखना भी जरूरी है। तो ये सिर्फ भावना मैंने उसकी भावना मैं बता दूं आपको चंदू भाई, मैं इनकी भावना बता दूं। मैंने जी जी लोगों को बहुत करीब से देखा है ना, कि इन लोगों क्या क्या सोच है इनकी, क्या है नंबर एक, इनके पास में कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ जो एक्साइटमेंट करना है, सेंसेशनल करना है, वो सेना रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको दो ही चीजें से कि मैं नंबर वन हूं, मुझे बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, मुझे बहुत पैसा मिलेगा, और डर नहीं, और कुछ होगा नहीं। अगर आप इनको अभी बैन करो, आप अभी इनको बैन करो, इनके ऊपर एक्शन लो, दूसरे दिन माफीनामा आ जाएगा, आप जो बोलो वो करने के लिए तैयार रहेंगे। ये उस प्रकार के लोग हैं। नहीं, इसमें आलोक जी आपकी एक बात से पूरा सहमत हूं, नंबर वन की दौड़ में कोई कुछ भी कर लेता। जी इसमें आलोक जी, डॉक्टर आलोक जी, इसमें न सिर्फ एकता, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब पे भी होनी चाहिए जिम्मेदार। उनको नहीं समझने आता है कि सभी के साथ हो, क्योंकि क्या होता है कि एकता पे बिल्कुल सही है कि वो प्रोड्यूसर दिख वही रही है, लेकिन जब एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर है या जो राइटर को दिखता नहीं, वो तो लिखते नहीं, सभी जानते। ये सीन जब स्क्रीन पर आया तो तब ये तो चर्चा हुई होगी ना सर, कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन मैं चौबे चौबे जी, मैं आपके बातों से 100% सहमत हूँ चौबे जी, क्योंकि इसमें जो राइटर है, इसमें जो कैमरामैन है, इसमें जो एक्टर है, जिसने ये ड्रेस पहना था आर्मी का, क्या उसकी मानसिकता ने उसको कैसे अलाउ किया कि इस सीन के ऊपर, इस सीन पे, इस ड्रेस पे, इस सीन पिक्चराइज किया जाए? ये सब उसके क्यों नहीं उस वक्त दिखा रहा उस टाइम पे? इसके डायरेक्टर भी बहुत फेमस है, केन घोष जी हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस तरह की आई मीन डायरेक्टर इज द बॉस। आलोक जी और मैं सब लोगों को एक बात बता दूं, एकता कपूर के नाम से होता है वहां पे, बाकी और कोई नहीं रहता है। एक नंबर से 10 नंबर, 1 से लेकर 10 तक के वही है, हिटलर शाही, चाहे वो हमारे देश की बात करो कहीं भी, 1 से 10 तक के एक ही व्यक्ति है वहां पे, वही चीज है। डॉक्टर आलोक जी हिटलर शाही, बस और कुछ नहीं। वो सबसे बड़े, वो मुझे पता है कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं कोई वो नहीं बात बताएंगे जो राजू कारिया बताएगा, इसलिए कि राजू कारिया उस तालाब के मछली, राजू कारिया ने वहां जो झेला है उसे राजू कारिया ही जानता है, और वहां पे सिर्फ तानाशाही चलती है। हम करे सो फायदा, वही कह रहा था सर, मैं वही हिटलर शाही की बात कर रहा था, मैं हिटलर शाही की बात कर रहा था। इसलिए हम जो ये बात कर रहे हैं कि उन पे एक्शन हो, तो अरे सिर्फ एक व्यक्ति पे एक्शन होगा ना तो सब लाइन पे आ जाएंगे, सब सही हो जाएंगे। ये चीज पहले दिन से अगर होती तो हम इस टॉपिक तक नहीं पहुंचते माय डियर ब्रदर। होनी चाहिए सर, टॉपिक कर लिया इसलिए कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी डाउन गई है, आने वाले 6 महीने साल भर तक जो सिंगल जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडिविजुअल, वो फिल्में नहीं बना सकते। अब आने वाला टाइम इस इकोनॉमी डिजास्टर की वजह से अब क्या होगा, अब वो नहीं बना पाएंगे, तो कौन बनाएगा? जो लोग एकता कपूर हो गए, संजय लीला भंसाली, यशराज, करण जौहर, इनके हाथ में पावर आएगी। मैं जब बोलना चाहूंगा, मुझे सारे मेंबर लोग 2 मिनट दे सकते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंक्लूजन के लिए आपके पास में आएंगे सबको, 2 मिनट बाद। मैं 2 मिनट ही लूंगा और सारे लोगों के एक ऐसे बात बताऊंगा जिससे सब अनजान है। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे सर, पहले अनाथ सर की बात करो, अनाथ खत्म कर ले अपना। हां अनाथ खत्म कर, बाद में बोलता हूं मैं। तो अभी क्या होगा सर, ये जो पावर कॉर्पोरेट्स के पास आएगी ना, अगर इस वक्त पीएमओ ऑफिस ने इसमें हाथ नहीं डाला, अगर उन्होंने अभी से इनको गाइडलाइंस नहीं स्टार्ट की, आने वाले समय में, क्योंकि वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना ज्यादा है, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। एक नया डायरेक्टर जब आता है ना, जब उसको फिल्म बनानी है, ऑब्वियसली वो कभी देश के बारे में नहीं सोचता, उसको एक अच्छी, उसकी जो फिल्म है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका एक सब्जेक्ट है, उसको जिस तरह की सोसाइटी, समाज दिखाई देगा, जो पिछले 70 साल में जो डैमेज भी इस देश में हुआ है, वो उसको देखेगा, वो उसी तरह की फिल्में बनाएगा। लेकिन जो उनके ऊपर है, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है,
उनको देखना पड़ेगा जो सिनेमा हम बना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से सम्मान मिलता है नहीं मिलता है उस चीज को डिसाइड करेगा। आज भारत की इमेज क्या है वर्ल्ड में, ये वही पेड़ के आसपास गाते हैं और उसी तरह की फिल्में बनती हैं। हमारी संस्कृति के ऊपर जेम्स कैमरून जैसा ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर अवतार फिल्म बनाता है, क्या है वो, विष्णु दशा अवतार के ऊपर बेस्ड है। वकोस्की ब्रदर मैट्रिक्स बनाते हैं, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है। आप एडजस्टमेंट ब्यूरो बनाते हो, भृगु ऋषि के ऊपर बेस्ड है जी। आप उनकी सारी एंटमैन आप फिल्म उठाइए, हनुमान जी की रिद्धि सिद्धि पे बेस्ड है। आप अपनी संस्कृति को जानिए तो सही, आप उसको बगैर जाने और आप चलते जा रहे हैं। और जैसे राजू कारिया जी हैं, राजू कारिया जी जैसे लोगों की हमें जरूरत है, उनके पास अनुभव है, वो एटलीस्ट हम लोगों को बता सकते हैं क्या क्या इनके लूप होल है। अगर कल गवर्नमेंट कुछ हाथ भी डालना चाहे तो ऐसे लोग तो चाहिए ना जो बता सके स्वास्थ्य में इन्होंने क्या क्या किया। बहुत आपने अहम बात, बहुत अनाबात, बहुत सही बात बोली अनाबात जी। तब जाके हम कोई स्टेप ले पाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बहुत आपने बहुत मतलब दिल को छूने वाली बात, राजू भाई के तरफ, राजू भाई के तरफ से उनके बिना पूछे मैं गारंटी देता हूं आपको जिस चीज के लिए मिले समाज का भला होता है तो आधी रात को आपके साथ तैयार है वो। जी जी बहुत बहुत बेहतर। इसके अलावा मैं, इसके अलावा मैं अभी मैं अनहद ने जो अभी एक बात बोली है जी कि हमारे यहाँ पे हर विषय पे फिल्म बनती है, तो अनहद साहब को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जब वो पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में आज के ज्वलंत विषय को लेके दो फिल्में थी बनी थी, जैसा आज कोरोना चल रहा है, उस जमाने में आपको पता होगा कि उस जमाने के अंदर चाइना वार हुआ था और चाइना वार को लेके हमारे यहाँ पे एक फिल्म बनी थी हकीकत, हकीकत लता मंगेशकर ने गाना गाया था और उस गाने के ऊपर नेहरू जी रोए थे। ए, मेरे वतन डायरेक्टर याद करो जरा कुर्बानी, केतन आनंद डायरेक्टर, केतन आनंद डायरेक्टर, उसके बाद में ओपी ने एक पिक्चर डायरेक्ट की थी जो प्लेन के ऊपर थी जिसका नाम था फूल और पत्थर, जिसमें एक चोर किसी घर में डाका डालने जाता है तो देखता है कि पूरा घर खाली पड़ा है लेकिन एक प्लेग का मरीज वहां पे पड़ा हुआ है, तो ये चोर उस प्लेग की सेवा चाकरी करता है, उसको अच्छा करता है, उसके सासू ससुर जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो तंदुरुस्त हो चुकी है। और ये पिक्चर का नाम था फूल और पत्थर जिसमें पहली बार आपको पूरा और पश्चिम को भी मेंशन कर सकते हैं सर, दुनिया नाम आने भी बता सकते हैं बोल्ड एंड पूरा और पश्चिम को भी यहाँ देशभक्ति की कई फिल्में हुई है। मैं पे बात कर रहा हूँ जो आज के तारीख में हमारे यहाँ पे ज्वेलरी रहे हैं रिलेवेंट है आज के प्रदेश में बराबर है। ये दो विषय जब बने थे तो आप कहीं पर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देख लो, ये फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी क्योंकि ये बीमारी के ऊपर आधारित थी, ये देश के ज्वलंत विषय पे आधारित थी। और आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जब कोरोना फैल रहा है तो हमारी इंडस्ट्री पिछले 100 दिनों से लॉकडाउन हो चुकी है, आज किसी भी एक्टर के पास में कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि कई एक्टरों ने सुसाइड कर लिया, कई एक्टर ऐसे है जब नए नए आए थे लोन लेके उन्होंने घर लिया, फ्लैट लिया, गाड़ी ली, मोबाइल ली, लेकिन आज जब 4 महीने से उनके पास में कोई काम नहीं है, वो अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है, फिर भी वो अपने घर पे नहीं जा पाए क्योंकि अब ब्लॉक लॉकडाउन था और ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं थी। बराबर है, आज की तारीख में जो कल फिल्में हमारी जो 300 करोड़ 500 करोड़ के क्लब में जाती थी और हमारे यहाँ का हीरो 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ लेता था, अब इन द फ्यूचर क्या किसी को हमारे पेरेंट्स को लगता है कि इन द फ्यूचर हमारे यहाँ पे कोई फिल्म अगर 2020 तक या कोई रिलीज होती है तो क्या 300 400 करोड़ का धंधा करेगी, मुझे कोई बता जवाब दे दीजिए। क्या आज की तारीख में कोई, सुनिए पूरे पूरा मेरा प्रश्न सुन लीजिए, क्या इन द भविष्य में आपको लगता है कि 100 करोड़ की 150 करोड़ की कोई फिल्म बना के रिलीज कर पाएगा, क्योंकि रिलीज करने के लिए आज की तारीख में कोई कॉर्पोरेट के पास में पावर नहीं है, जितना फाइनेंस बाहर से आता था उतना इंडिया के पास में पैसा नहीं है। इन द फ्यूचर हमारे जो 1960 के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो इंडिपेंडेंट थे, जो सीपी बेरा राजस्थान पंजाब हरियाणा खरीदते, आज वही डिस्ट्रीब्यूटर छोटी फिल्में के लिए खरीद के लिए बाहर आ रहे हैं और देखना वो दिन दूर नहीं है। ये मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है कि अब फिर से 2.5-3 करोड़ की फिल्में बनेगी और हर न्यू कमर को एक चांस मिलेगा और जो आज की तारीख में 50 करोड़ और 40 करोड़ लेते हैं उनको काम करने के लिए खुद की फिल्में बना के अपने आप को स्टेब्लिश रखना पड़ेगा। आगे आपका सवाल सर, आपको पता है जियो को पिछले महीने कितने पैसे मिले हैं जियो स्टूडियो के लिए, बोलिए सर। 85,000 करोड़ बराबर है, ठीक है, कुछ बिलियन के अंदर उनकी वैल्यूएशन है।
जितने बाहर के स्टूडियो आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स की कितनी वैल्यूएशन है? 183 बिलियन बराबर है। जिस मैंने वही आपको बोला, ये वो टाइम आएगा जहां पे डोमिनेशन आएगा कॉर्पोरेट्स का। अगर हमने इस वक्त इनको सही तरीके से नहीं देखा और वो सही दिशा में नहीं गए, तो आपके देश को अगले 10 साल में कंप्लीटली ये डीमक की तरह सिनेमा खत्म कर देगा। आपको पता लग चुकी है सरकार, डीमक लग चुकी है, जिसके 100 दिन से थिएटर बंद है उसको डीमक चिपक चुकी है। आप थिएटर की दुनिया में हो, वेस्ट ने ऑलरेडी आज से 5-7 साल पहले सिनेमा का सिस्टम ही चेंज कर दिया, सीधे सारे थिएटर घर में ला दिए। आपने पूरे का पूरा, आपका स्मार्ट टीवी के ऊपर वेब सीरीज एक नशे की तरह बनाते हैं वो। आप कभी देखिए वेब सीरीज, और आप जो फिल्मों की बात कर रहे हैं, रामलीला, रामायण, हमारे यहाँ रामायण से सिनेमा शुरू हुआ था, आज से नहीं। हमारे यहाँ पे राम लक्ष्मण की कहानी चल रही है, गांव में सांग होते हैं, पहले सांग होते थे जिसको जो आप थिएटर बन गए। लेकिन रामलीला का मंचन होता था। हमारे यहाँ पे क्राफ्ट नहीं है आज भी, मतलब आप जिनकी बात कर रहे हो, हमारे पास एक्टर्स कहाँ, एक्टर है आपके पास? वेस्ट की अच्छी बात यह कि उसने उस क्राफ्ट को डेवलप किया, वो डेवलप करके अपने लोगों को इंस्पायर किया। दो तीन फिल्म का एग्जांपल दे रहे हैं ना, इस पे मैं खुश नहीं होना चाहिए। हमारे देश में 1000 फिल्में बनती हैं। अनहद जी, हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है और हमें कंक्लूजन की तरफ भी जाना है, काफी समय हमें हो गया है। जी जी, हम जी, अब जी, चलते, चलते 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 हम सबको अपने अपने अंतिम टिप्पणी रखनी है, तो अंतिम टिप्पणी के लिए सबसे पहले मैं कीर्ति मैडम की तरफ चलूंगा। कीर्ति जी, आपको 1 मिनट में आपकी अंतिम टिप्पणी रखनी है इस विषय पर कि क्या हो, अब कैसे इससे निजात पाए। सभी माननीय जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, तो सबका निचोड़ यही मुझे लगता है कि ये अभी बहुत अच्छा समय है, या दिस इज द राइट टाइम। कि जैसे स्कूल में नहीं होता, टीचर जब क्लास में जाती है तो जो सबसे बदमाश बच्चा होता है पहले उसको पकड़ती है, उसको पनिशमेंट देगी या उसी को मॉनिटर बना देगी। वो समय है ये, जो सबसे नॉटी बच्चा है उसको पकड़ के, इसको अभी अगर हम इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे इस समय में, तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और ये हमारे डिबेट का कोई निचोड़ नहीं निचोड़ देगा। लेकिन हम ये इस डिबेट के माध्यम से ये संदेश जरूर दे सकते हैं। अब मैं चलूंगा सीधा आलोक चौबे जी की तरफ। आलोक चौबे जी, आपकी अंतिम टिप्पणी चाहेंगे इस विषय पर। पहले तो अपन यदि मेन शर्मिंदगी है उसमें कार्रवाई होगी जी, मुद्दे की बात यह है। दूसरी बात है कि जो वेब सीरीज को जो कंट्रोल नहीं, फिल्म जो पब्लिक देखते हैं टॉपिक से, वेब सीरीज पर्सनल एक भी बंदा बंदी जो देखते तो उस पर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। जहाँ तक ये कह रहे थे कि वीडियो सब्सक्रिप्शन जो है, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन आगे 5000 करोड़ तक पहुँचने वाला है, आप बात सस्ता कंटेंट से ही आगे बढ़ पाएंगे, ये उनकी स्ट्रेटेजी ही वही है। आपको सीरियस कंटेंट जैसे हकीकत फिल्म की बात हुई, वो आपको सेना में जाने की देखा था, अब ये कौन सा जाने देगा? ट्रिपल एक्स आपके पास 99% वेब सीरीज तो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं, और इसको हम गंभीरता से लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो तो बेहतर है जी। राजू कारिया जी, आपकी अंतिम टिप्पणी चाहेंगे सर, एक मिनट का समय। मैं एकता जैसे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है जी, इसके ऊपर भरपूर 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 अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे के लिए अपने विचारों को, हमारे समाज को इतना नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पे कंकर को शंकर और जल को गंगा जल माना जाता है, तो इस देश को वो इतना नीचे मात गिरावे अपने स्वार्थ के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी करो, कानून के ऊपर और सेना के ऊपर लांछन लगाने की गलती से सपने में भी हिम्मत मत करना, वरना ये देश जिस दिन हथियार उठा लेगा, अपने विचार पलट देगा, आपका तख्ता पलट जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पटवर्धन सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, आपको अंतिम टिप्पणी देनी है। अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि हमारे यहाँ राष्ट्र अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है, लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। वेस्ट में जो भी वेस्ट सीरीज बन रही है उसमें आर्मी का इतना घटिया प्रदर्शन कभी नहीं किया गया, नंगे सीन होते हैं, पॉर्न होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आर्मी को या उनके डिफेंस फोर्सेस को कभी भी गलत तरीके से नहीं दिखाया जाता, जो यहाँ पर हो रहा है खाना भी नहीं चाहिए। आई थिंक इट शुड स्टॉप।
राइट सर, अनाहत जी आपके अंतिम टिप्पणी चाहेंगे कम से कम शब्दों में। सर मुझे लगता है जो देश के जो माननीय लोग हैं जी, जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक मिश्रा जी हैं, जितने भी जो अच्छी पोजीशन पे लोग हैं आईएएस हैं, उन सबका एक संगठन बनना चाहिए और किसी भी एकता अनुराग पे हम लोगों को उनसे लड़ाई नहीं करनी है, लांछन नहीं देना है। आप उनसे बात कीजिए, आप बात करके जस्ट उनको रियलाइज करवाइए जो आप बना रहे हैं वो हमारे देश बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास उनको कराना। आप सिर्फ अगर बातचीत करेंगे, और भारत की परंपरा है वाद विवाद, आप सिर्फ बातचीत करके ये बात उन तक पहुंच जाती है पर्सनली, हो सकता है चेंज शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। आलोक जी, डॉक्टर आलोक मिश्रा। मैं अनाज जी के बात से सहमत हूं, लेकिन हमारे जिम्मेदारी भी दी है उन्होंने आपको। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है भय वीर होय न प्रीत, ये तो रामायण में लिखा है ना। तो जब तक के राजू भाई ने जैसा बोला है कि जब तक की भय नहीं होगा तब तक के ये लोगों को नहीं समझ में आएगी बहुत जल्दी बातें। तो भय होना है, जैसे बोले ना कि भाई हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आपको किसी के ऊपर मारना नहीं है, लेकिन डर बहुत जरूरी है। अगर डर अगर उनमें पैदा नहीं होगा ना तो ये गलतियां करते रहेंगे। डर सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, लेकिन पहले डर इन लोगों के साथ में, उसके बाद में प्यार। बिल्कुल सही बात है। मैं चलूंगा इमरान की तरफ। इमरान आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल जी, जिस तरह से अभी पूरा अपना सार निकला है कि फिल्म जगत ने तभी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, अपने सेना को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सेना जो फिल्म होती है या वेब सीरीज है यही समाज का आईना है, और समाज का आईना ही लोग फॉलो करते हैं। आज के युवा पीढ़ी फिल्मों को बहुत फॉलो करते हैं, वेब सीरीज को बहुत फॉलो करते हैं। अगर बाकी सबने अपने जितने भी आज पैनलिस्ट थे उन्होंने यही कहा है कि अगर आज का युवा अगर ये फिल्में देखेगा तो वो कभी सोचेगा कि मैं सेना में जाऊं? बिल्कुल, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अंतिम टिप्पणी करने के लिए मैं चाहूंगा चंदू सर आए और अपनी बात रखें। म्यूट है सर आप। एक मिनट में दूसरा मोबाइल हटा दो जरा सा, तो क्योंकि ये एक म्यूट रखूंगा क्योंकि आवाज। आप म्यूट है चंदू सर। जी बोलिए। आज की जो मुख्य अपनी समस्या थी कि आर्मी के ऊपर जो एक पोर्न बेस्ड फिल्म बनाई गई, हमको उसको उस कंटेंट्स को हमको हमारा निषेध करना था मुख्य उद्देश्य। लेकिन जहां हमारी चर्चा में सारी चीजें आज उसके बावजूद कि सारी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह सारा सारा शामिल है, और ये होता है हम एक चीज से बहस करते करते बहुत उसके सराउंडिंग मुद्दे होते क्योंकि उसके ऊपर उसका इम्पोर्टेंस नहीं आता। बात है कि हमने पहले भी बात की थी, जैसे राजू भाई कारियन बात की थी कि ये आदत में शामिल हो गया, ये भी पोर्न और ये जो देखना है हम भले ही उस पर ये करते लेकिन ये हमारी आदत में शामिल हो। इस आदत को बदलने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ेगी निश्चित रूप से कोई एक दिन का काम नहीं है, कहीं से इसकी शुरुआत करनी पड़ी, चाहे ये एकता की इस सीरीज से ही क्यों ना इसको शुरुआत करके इसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम आज जाके जैसे अनंत जी बताया कि जाके समझाना, लेकिन समझाने से कौन मानता है, कौन समझता है, क्योंकि उसको तो अपना बिजनेस दिखता है, एक नंबर की पोजीशन दिखती है, ये एक नंबर की पोजीशन। अभी जैसे बताया कि अगले 6 महीने साल भर तक फिल्मों का प्रोडक्शन बहुत मुझे निकलेगा नहीं निकलेगा, ऐसे में ये छोटी छोटी सीरीज, आज तो एकता कपूर निश्चित बजट बढ़ा, ऐसे कई छोटे छोटे सीरीज वाले इनको बंद किए तो दूसरे उभर कर आ जाएंगे, जिसका कहीं संचालन, कई ऐसी वेबसाइट चलती है, कई ऐसी ऐप चलते हैं जिसपे कई आपको सारा मटेरियल दिए, पहले टोरेंट के थ्रू आता था, टोरेंट इसको देखते हुए बैन कर दिया गया, तो उसके सब्स्टिट्यूट में ये वेब सीरीज निकाली गई है, क्योंकि लोगों को ये चीजें देखने की आदत हो गई ना। ये बोलते हैं कि जो बिकता है वो दिखता है, और ये भी साथ में उसका है जो दिखता है वही बिकता है, तो आप जो दिखाओगे वो तो बिकेगा ही ना, आप मार्केट की डिमांड से उसको कंपेयर नहीं करते, आपको जो दिखाना होता वही आप बेचते, तो थोड़ा सा और लोग उसको देखते भी और उसको नहीं, लोगों के पास में क्या है, लोगों को दिखता है तो लोग देखेंगे। ये चीज की थ्योरी चेंज करने में अपने को बहुत लंबा समय लगेगा, तो हमें टेम्पररी तो अभी कहीं तो भी इस पे ये कंटेंट्स की पे इन चीज को देख कर पूरा का पूरा किसी भी हाल में इन चीजों को बैन करना चाहिए, किसी प्रकार के प्रदर्शन में, चाहे वो वेब सीरीज हो
चाहे वेब सीरीज हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन जो देश के ऐसे गरिमामय लोगों पे आरोप लगाता हो, उनको लांछित करता हो, उस पे बैन और इनके लिए निश्चित कोई सजा निश्चित करनी चाहिए। ये प्रोडक्शन शायद मुझे नहीं लगता कि हम कितने भी कोशिश कर ले तो बंद होगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, शुरुआत करनी, कहीं तो भी जाके हम इसमें कहीं भी थोड़ी भी सफलता पाए कि कम से कम लोग इसको सीधे सीधे देख भी नहीं सके, देखने के लिए बहुत ज्यादा बंदिशें लगा दी जाए। ऐसी चीजें 100 रुपए में आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, 400 रुपए में आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, इतने सस्ते में ऐसी फिल्में यदि मिलती है मार्केट में तो निश्चित रूप से 12 से 13 साल का बच्चा इसको देखना चालू कर देता है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है। ये पीढ़ी जो आगे जो देश के चिंतन, आप देश में आप कुछ भी कर लो ना, चिंतन करने वाले लोग नहीं बचे। आप और हम बैठे हैं, मुश्किल से पूरे देश में निकाल लो आपको 5000 लोग नहीं मिलेंगे चिंतन करने वाले जो देश की चिंता करें, क्योंकि ये चिंतन पूरी पूरा ये खा जा रहा है, पूरा ये खत्म कर दे, आने वाली पीढ़ी को भी खत्म कर दे रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं रुकावट होना जरूरी, चाहे हमारे इस शो के माध्यम से कहीं तो भी एक छोटी सी लगाम की हमने शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से भी बताना चाहेंगे कि देश प्रेम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को नहीं होना चाहिए। देश प्रेम ये हमारा धर्म है, हमारी सेना हमारा गर्व है। हमारे सेना के साथ इस तरह का बर्ताव न किसी भी भारतीय वर्ष को या भारत के किसी भी नागरिक को ये गवार होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर अंकुश जरूर लगना चाहिए। यही कोशिश थी हमारे इस परिचर्चा की। मैं फिर से तहे दिल से आप सभी जिन्होंने इस चर्चा में शामिल हुए उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी कृपा करके ऐसे जो भी ऐसे कार्यवाही होती है, जैसे कि सेना की वर्दी पर हमने आज का विषय था एकता का उद्योग, ऐसे उद्योग नहीं होने चाहिए और हमें इस पर कहीं ना कहीं आक्षेप जरूर लेना चाहिए। ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट के साथ में कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सभी पैनलिस्ट का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।